क्या होगा अगर पूरे ही दुनिया से सारा पानी सूख जाए तो उससे आगे ये जान लो, इस दुनिया का अगर हम सबसे डीपेस्ट पॉइंट देखें तो वो है मारियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है और ये ट्रेंच 11 किलोमीटर गहरा है। तो मान लो इंसान उस जगह पे गए और वहाँ पर छेड़छाड़ कर दिया और उसके चलते वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल बन गया, जिसके चलते दुनिया का सारा पानी उसमें चला गया और इस दुनिया में इतना लीटर पानी है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हो। तो अगर समुद्र का सारा पानी सूख जाए तो इस पूरे दुनिया में जितने सारे जहाजों है ना, उन जहाजों का पूरा रुख ही बदल जाएगा और वो अचानक से रेगिस्तान जैसे जगहों में फंस जाएगा। और जो लिविंग बीइंग है जैसे कि मछलियाँ, सांप, टर्टल्स, प्लांट्स एटसेट्रा, वो अचानक से ब्रीथ नहीं ले पाएंगे और पूरा समुद्र अचानक से रेगिस्तान के जैसे बन जाएगा और हमारा पूरा इकोसिस्टम ही बिखर जाएगा। बट जो रियल प्रॉब्लम है या फिर खतरा है वो अब जाकर शुरू होगा। समुद्र का जो पानी है वो धरती के टेम्परेचर को बैलेंस में रखता है और धरती को कूल रखता है। तो अगर पानी ही सूख जाए तो सन का जो टेम्परेचर है वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा और ग्लोबल टेम्परेचर बहुत मात्राओं में बढ़ जाएगा और ऊपर आसमान से सारा बादल ही गायब हो जाएगा, क्योंकि पानी तो इवेपोरेट होगा ही नहीं और वाटर साइकिल भी नष्ट हो जाएगा। इस दुनिया से 97% पानी गायब हो जाएगा और जो 3% पानी नदी तालाब में है वो वाटर साइकिल को सस्टेन करने के लिए काफ़ी नहीं है और इसी के चलते सिर्फ कुछ ही दिनों में इंसानों और बाकी जो लिविंग बींग है वो डिहाइड्रेशन के चलते मर जाएगा और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कोई भी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगा। सो समुद्र है तो वाटर साइकिल है और वाटर साइकिल है तो हम जी सकते हैं, मतलब लाइफ है। सो इंफॉर्मेटिव लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करना और अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर से सेट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।